नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नारियल के होलसेल बिजनेस के बारे में और जानेंगे कि आप नारियल का होलसेल का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इस बिजनेस के लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपके पास कितना स्पेस होना चाहिए, आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी या फिर आपको सस्ते रेट पर नारियल कहाँ से मिलेंगे और आपको इस बिजनेस के अंदर कितनी कमाई हो सकती है, कैसे आप ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे, इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे नारियल के बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों यदि नारियल के बिजनेस की बात करें तो ये एक सदाबहार चलने वाला प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि दोस्तों नारियल की डिमांड सर्दी में भी होती है सूखे नारियल की, और कच्चे नारियल की डिमांड गर्मी में भी ज़्यादा रहती है। ऐसे अलग अलग सीजन के हिसाब से नारियल की डिमांड रहती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, नारियल का इस्तेमाल बहुत से प्रकार से किया जाता है। जैसे दोस्तों नारियल का पानी पीना पसंद करते हैं लोग, और इसके साथ नारियल खाना पसंद करते हैं, नारियल का पाउडर इस्तेमाल करते हैं, नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं, नारियल की कैंडी खाना पसंद करते हैं। ऐसे बहुत से प्रकार से नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए दोस्तों आज नारियल की बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत से ऐसे किसान हैं जो नारियल का उत्पादन करते हैं, इनकी फार्मिंग करते हैं और आज लाखों रुपये कमा रहे हैं। तो दोस्तों कोई भी पर्सन यदि अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहता है तो वह नारियल का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकता है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों की आप नारियल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ये बिजनेस कितने प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, आप नारियल का बिजनेस दो प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो दोस्तों आप कच्चे नारियल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और दूसरा दोस्तों आप सूखे नारियल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों प्रकार के बिजनेस के अंदर दोस्तों अच्छी कमाई है और आप अच्छे खासे पैसे इनके अंदर कमा सकते हैं। अब बात करें दोस्तों की आप नारियल का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों की आप नारियल का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए जिसके अंदर आप नारियल का स्टॉक रख सकें। इसके साथ आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपके पास कम से कम 2 से 3 वर्कर होने चाहिए, आपके पास 1 या 2 व्हीकल होने चाहिए। इन सब चीज़ों के साथ दोस्तों आप नारियल का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों की आप नारियल का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो दोस्तों की इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मान लो दोस्तों आपके पास खुद की ज़मीन है, यानी खुद के पास अच्छा खासा स्पेस पड़ा है, एक बिल्डिंग पड़ी है जिसके अंदर आप स्टॉक रख सकें। उसके बाद दोस्तों आपको व्हीकल खरीदने पड़ेंगे जिससे आप नारियल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। इसके साथ दोस्तों आपको वर्कर हायर करने पड़ेंगे और अच्छी पानी की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी अपने स्पेस के अंदर, यानी अपनी जगह के अंदर अच्छी पानी और बिजली की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। सभी चीज़ों को मिलाकर दोस्तों यदि आपके पास कम से कम 3 से 5 लाख रुपए है तो आप नारियल का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, आपकी इन्वेस्टमेंट आपके स्टॉक के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि दोस्तों यदि आप थोड़े से नारियल के साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और यदि आप बड़े स्टॉक के साथ बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आपको उसके अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों यदि आपको इस बिजनेस की नॉलेज नहीं है तो आप छोटे से लेवल से बिजनेस स्टार्ट करें, और जब आपको इसकी अच्छी खासी नॉलेज हो जाए तो आप अपने बिजनेस को बड़े लेवल पर लेके जा सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों की आप नारियल का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों की आप नारियल का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 300 से 500 स्क्वायर फीट के अंदर एक गोडाउन होना चाहिए जिसके अंदर आप नारियल का स्टॉक रख सकें और वहीं से आप आगे नारियल सप्लाई कर सकें अलग अलग रिटेलर को। अब बात करेंगे दोस्तों की आप नारियल का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सस्ते रेट पर नारियल कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें, इंडिया के अंदर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरला, इन स्टेट के अंदर दोस्तों बहुत ही बड़े लेवल पर फार्मिंग की जाती है नारियल की, यानी नारियल की खेती की जाती है। यहाँ पर बहुत से किसान भाई नारियल की खेती करते हैं और यहाँ से नारियल का प्रोडक्शन होता है, और इंडिया के कोने कोने के अंदर इन स्टेट से नारियल जाता है। तो दोस्तों आप इन स्टेट के किसी भी किसान से कॉन्टैक्ट करें जो नारियल की फार्मिंग करते हैं, यानी खेती करते हैं, और उनसे कॉन्टैक्ट करके आप बल्क में नारियल वहाँ से खरीदें और अपने स्टेट के अंदर उन्हें होलसेल रेट पर या फिर रिटेल रेट पर सेल कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों आप वहाँ से सस्ते रेट पर नारियल खरीदेंगे और आप अपने एरिया के अंदर होलसेल या फिर रिटेल के अंदर बेचेंगे। लेकिन दोस्तों जी आप वहाँ तक नहीं जाना चाहते तो दोस्तों आप अपने एरिया की किसी भी सब्जी मंडी से कॉन्टैक्ट करें जहाँ पर फ्रूट्स सभी आते हैं, सभी सब्जियाँ आती हैं, वहाँ से दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि आपको बल्क में सस्ते रेट पर नारियल कहाँ से मिलेंगे। वहाँ से दोस्तों आप नारियल खरीदें और फिर आप रिटेल रेट पर या फिर होलसेल रेट पर सेल कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों आप किसी भी जगह से नारियल खरीद सकते हैं और एक नारियल का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों की आप नारियल का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो
आपको इसके अंदर कितनी कमाई हो सकती है प्रति मंथ के हिसाब से या फिर आपको प्रोडक्ट के हिसाब से, तो दोस्तों आपको बता दें इस बिजनेस के अंदर सीजन के हिसाब से आपको कमाई होगी, क्योंकि दोस्तों गर्मियों के अंदर ज़्यादा कच्चे नारियल चलते हैं और लोग कच्चे नारियल का पानी पीना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप सूखे नारियल का बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको अलग से कमाई होगी, क्योंकि दोस्तों उनके दोनों के रेट अलग अलग है। यदि आप कच्चे नारियल के अंदर बिजनेस करेंगे तो आपको गर्मी के अंदर ज़्यादा कमाई होगी, आप पर मंथ के हिसाब से आराम से 1 से 1.5 लाख रुपए कमा पाएंगे यदि आपकी अच्छी सेल हो रही है तो। यदि आप सूखे नारियल का बिजनेस कर रहे हैं जो सदाबहार चलता है तो दोस्तों आप पर मंथ के हिसाब से इस बिजनेस के अंदर 2 से 3 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं यदि आपकी अच्छी सेल हो रही है तो। दोस्तों होलसेल रेट पर यदि आप कच्चा नारियल सेल करेंगे तो आपकी कमाई ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और डिमांड को देखते हुए सेल ज़्यादा होगी, और सेल ज़्यादा होगी तो आपकी कमाई भी ज़्यादा होगी, और सीजन के हिसाब से तो दोस्तों इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे दोस्तों आप दोनों प्रकार के नारियल का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और दोनों के अंदर आपको अलग अलग कमाई होगी। दोस्तों यदि आप सूखे नारियल का बिजनेस करेंगे तो दोस्तों आपको ज़्यादा कमाई होगी, क्योंकि दोस्तों वो सदाबहार चलता है बिजनेस, और यदि आप कच्चे नारियल का बिजनेस करेंगे तो आपको उसके अंदर थोड़ी सी कम कमाई होगी, क्योंकि दोस्तों वो सीजनल वाइज चलता है तो आपको एक सीजन के हिसाब से ज़्यादा कमाई होगी और सीजन ना होने पर कम कमाई होगी। ऐसे दोस्तों आप किसी भी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप नारियल का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों भी आप इस बिजनेस के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों जी आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस से संबंधित, फ्रेंचाइजी संबंधित या फिर स्कीम से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।